मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे और यू आर डूइंग गुड एंड आर हैविंग अ ग्रेट टाइम इन योर लाइफ। सो आज का व्लॉग मॉर्निंग में स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। कल मेरा एग्जाम था CUET का, जो मैंने आपको कहा था कि मैं व्लॉग शूट करूँगा, बट मैं कर नहीं पाया क्योंकि इतना हॉच पॉच हो गया था सब। जल्दी मैं चले गया एग्ज़ाम देने, फिर एग्ज़ाम देकर आया तो उसके बाद फिर बहुत एग्जॉस्ट हो गया क्योंकि मैं लास्ट नाइट सोया नहीं था। आपने देखा था व्लॉग में, व्लॉग मैंने डाला नहीं है वो, तो मैं लास्ट नाइट सोया नहीं था, कंप्लीट लाइट में सोया नहीं, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, इसलिए मैं पेपर दे के आते ही सो गया आराम से। तो आज एक नई फ्रेश मॉर्निंग के साथ उठा हूँ मैं और आई होप आप सब ठीक हो, परफेक्टली फाइन हो। तो आज है हमें कुछ बेसिक से काम घर के। सबसे पहला है कि जो हमारी वॉशरूम्स की फिटिंग्स हैं वो थोड़ी ख़राब हो गई हैं। मैंने अभी जैगवार वाले को कॉल किया, गाड़ी वाला जैगवार नहीं, वॉशरूम वाला जैगवार। जैगवार की सैनिटेशंस भी होती हैं, पता ही होगा सबको, तो मैं क्या ही बोल रहा हूँ। हाँ, जैगवार की सैनिटेशन वालों को कॉल किया तो भी जैगवार वाला बंदा आ गया जैगवार लेके। भाई एक ऐसा टाइम आएगा जब आपका भाई जैगवार वालों को कॉल करेगा, जैगवार गाड़ी वाले जैगवार वालों को, इंशाल्लाह ऐसा भी एक टाइम होगा। तो अभी का फिलहाल ऐसा है कि अभी वॉशरूम वाले जैगवार से ही काम चलाना पड़ेगा। तो अभी मैंने कुछ ऐसा किया कि मैंने जैगवार वालों को कॉल किया, वो जैगवार वाला ये लेने आया था मैं ऊपर पेशकश, वो ठीक करा। मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या आ रही है बेसिकली वॉशरूम में। तो लेट्स गो। फाइनली गाइस, आपको मैंने दिखाया कि क्या चल रहा है अंदर है। वॉशरूम की फिटिंग चल रही है, वो मैं ही करवा रहा हूँ। अभी नीचे वाले फ्लोर में चल रहा है काम, अंदर मेरी बहन के वॉशरूम में था वो। अभी हम ऊपर वाले रूम में जाएंगे, मेरे रूम में, तो वहाँ पे भी साफ़ करवाते हैं, साफ़ नहीं ठीक करवाते हैं। पानी नहीं आ रहा है प्रॉपरली, यहाँ देख सकते हो पूरा चमका दिया आबे ने, अभी तक सफाई कर रहा था। पार्क में भी सफाई हो गई है गाइस। फाइनली अपने नीचे वाले वॉशरूम में सारा फिट करवा दिया। ये देखो आप, ये कौन है, ये रहा सिम्बा। और अब हम इस वॉशरूम में आ गए, यहाँ पे अंकल ठीक कर रहे हैं, फिटिंग्स कर रहे हैं वॉशरूम की। यहाँ पे ये पानी वाला, ये पानी और ऊपर से शॉवर एक साथ चलता है, तो ये ठीक करवाना है पूरा। और आप लोगों के लिए मेरे पास एक और सरप्राइज है, लेट मी शो यू गाइस। इसका मसला है कि स्टक हो गया पूरा, यहाँ से निकलेगा नहीं, ये पूरा हमें खोलना पड़ेगा गाइस। आपको आपके लिए सरप्राइज था मेरे पास, सॉरी मैं थोड़ा सा वापस चले गया था अंदर। तो मैं अभी काम ही कर रहा था, मुझे पता नहीं था, आई जस्ट गॉट अ सरप्राइज, मामा पापा आ गए। मामा पापा साथ नहीं होते हमारे कभी कभी, खाली थी और अभी यहाँ गाड़ी लग गई है। सो मॉम एंड डैड जस्ट रीच्ड होम, अभी जस्ट पहुँचे हुए यहाँ पे। तो गाड़ी का सामान भी सारा उतार दिया, अपनी गाड़ी बहुत टाइम बाद आई है आज घर से। तो अभी अंदर चलते हैं, मामा पापा से मिलते हैं और फिर वापस चलते हैं ऊपर, काम करवाते हैं सारा। सिम्बा क्या हुआ है, कर रहे हैं क्या हुए, क्या हुए? मस्त बैठा हुआ है, मस्त बैठा हुआ है, मस्त बैठा हुआ है। नट लाना पड़ेगा हमें बाहर से, यहाँ पे मिल नहीं रहा है अंदर नट। हम दुकान पे चल के देखते हैं, अगर बाहर नट मिलता है तो ऊपर लगाना है वो। लगता है यासर भैया ले गए, कोई मसला नहीं है, ये घर के पास ही जाना है वैसे भी। ये आ गया यार, ये नाम लिया और सरकार हाजिर। रुको जल्दी जल्दी, मैं बाहर में नट लाने जा रहा हूँ। हाँ अभी लूंगा ना मैं थोड़े टाइम के बाद GoPro लूंगा, फिर उसके बाद फिर हम इस पे, जब मैं कहीं बाहर जाया करूंगा तो फिर हम इसमें मोटो व्लॉग भी किया करेंगे। ये हार्डवेयर की दुकान है, ये रही हार्डवेयर की दुकान, ये रहा ना हार्डवेयर एंड पार्ट्स। समझ गया। ओ भाई साहब, स्कूटी की हालत देखो क्या हो गई है पूरी, फाइनली हमें। और लेकिन ये देखो यार आप, स्कूटी की क्या हालत हुई है, पूरी स्कूटी पिचक गई है माँ के सामने। ले हमने अब चलते हैं घर, और बंदा वेट कर रहा है कब से, उसको पकड़ाते हैं जल्दी जल्दी, काम करवाते हैं, फिर शाम को देखते हैं धूप कम होगी तो निकलेंगे आज टूर पे। आज तो सिम्बा 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 नो, नट लेके आ गया मैं, नट मैंने उनको पकड़ा दिया अंकल को, तो अभी बस ऑलमोस्ट हो ही गया है भाई। एक चीज़ में सेटिस्फैक्शन हुई मेरे को इन जैगवार वालों से बड़ी तगड़ी, के मैंने आज ही फ़ोन किया था, सुबह ही किया था, और उसके आधे घंटे के अंदर काम करना, यही होता है। एक अगर आप कोई अच्छी चीज़ लगा रहे हो घर में, इट वर्थ्स इट, आई मीन वर्थ करती है एक अच्छी चीज़ लगाना घर में, नहीं तो नॉर्मल चीज़ होती है फिर उनको बार बार फ़ोन करो, आ जाओ ठीक करो ठीक करो ठीक करो, अच्छा नहीं लगता। आधे घंटे के अंदर सर्विस पर ऐसे ऐसे काम हो गया। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि इनकी जो रिपेयरिंग सर्विसेज होती है दैट इज़ टोटली फ्री, कोई रिपेयरिंग कॉस्ट नहीं होती है इनकी। मतलब जैसे अभी ये बंदा सर्विस करने आया ना, अब ये सारा काम वाम करेगा, इसको हमें कुछ पैसे नहीं देने, क्योंकि इनका सारा कंपनी वाला वो उठाती है भाई, इतना नाम बड़ा है जैगवार, इतना तो करेंगे। क्या हालत देख लो यार, पूरा सामान बिखरा हुआ है यहाँ पे। जोवीस भाई आपका, ये जोवीस के प्रोडक्ट यूज़ करता है, मेरी पर्सनल मतलब तो मेरी स्किन को यही सूटेबल रहते हैं जोवीस वाले। बाकी गैट्सबाई की स्प्रे है, एक
यहाँ पे निविया के कुछ प्रोडक्ट पड़े हैं, बिल्ली का एक है, ये क्या बोलते हैं इसको, धोने इसको नहलाने के लिए, और ये इसकी परफ्यूम। यहाँ पे इसका खाना और पॉट पड़ा हुआ है, यहाँ पे गिटार रखा है, आप देख सकते हो पूरा भीग गया, उनके लाके कपड़े पूरे गीले हो गए। इन दिस होम फाइनली गाइज आप देख सकते हो गाड़ी में बैठा हूँ, अभी मैं घर से निकला था, मुझे कुछ भूख लगी थी एक्चुअली, मैं रेडी भी हो रखा हूँ पापा के साथ, मुझे कहीं बाहर जाना है, कुछ काम है पापा को, उनके साथ ही मैं जा रहा हूँ। तो अभी जिस मैं बाहर निकला था मैंने उनको कहा कि आप थोड़ी देर वेट कर लो, मैं कुछ खा के आता हूँ पहले, क्योंकि घर पे मम्मा ने कुछ बनाया हुआ था मेरे को पसंद नहीं आया, तो मैं बाहर आ गया कहीं बिरयानी वगैरह खाऊंगा, उसके बाद निकलेंगे हम। तो अभी बैठा है आपका भाई गाड़ी में, चलते हैं पहले कुछ खाते हैं फिर वापस आते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है पापा के साथ। माई फेवरेट बिरयानी विद लेग पीस मेरे को सबसे सही। यहाँ से और थोड़ा आगे तक आया था मैं, वहाँ दुकान से देख लिया अपने सामान ले लिया था मैंने थोड़ा सा जहाँ पे मैं रुका हुआ था, और अभी मैं कुछ ऐसी लोकेशन पे हूँ, बस यहाँ से चलते हैं घर, पापा भी वेट कर रहे होंगे मेरा, तो निकलते हैं यहाँ से देखते हैं कहाँ जाना है। गाइस आप देख सकते हो पहुँच गया हूँ मैं घर, तो अब गाड़ी लगाते हैं अंदर, अंदर नहीं बाहर ही रखेंगे क्योंकि थोड़ी देर के बाद तो वापस निकलना है। ये शेड्स लाई थी मैंने, बट ये मेरे फेस पर थोड़ी बड़ी लगती हैं, आई मीन मेरा मुँह थोड़ा छोटा है और ये काफ़ी बड़ी हैं, सोचा था चेंज करवा दूँ, वेव से ली थी मैंने, बट पता नहीं देखते हैं चेंज कहाँ ही होगी। अब अच्छी कैसी लग रही है आप मेरे को बताना कमेंट करके कि ये शेड कैसी लग रही है, शुड आई चेंज इट और यही रखूँ। अभी देख सकते हो अब मेरे साथ कौन है पर है, और अभी हम कुछ लेने आए हैं इसके लिए, क्या खाना है बाबा, बिस्किट खाने हैं, क्या खाना है, इसको कुछ ले कर देते हैं यहाँ से, फिर उसको घर छोड़ते हैं, चॉकलेट वगैरह उठाएगी यहाँ से, चॉकलेट लेना, कौन सा लेना है, कौन सा लेना है, कौन सा सारा खाना है, सारा ले जा फिर, ये नहीं ये मैक्स प्रोटीन है, इसको रहने दे, चॉकलेट अच्छा नहीं, कुछ और उठाओ, दूसरा छोड़ दो, शाबाश गुड, ये भी छोड़ो, किटकैट उठाओ अगर किटकैट खाना है। फाइनली दो चॉकलेट उठा ली इसने, दिखाओ कौन सी चॉकलेट है, करें दिखाओ कौन सी चॉकलेट है, डेरी मिल्क और एक और उठाया इसने, गर्मी हो गई यार बड़ी। फाइनली गाइस सामान वगैरह छोड़ दिया, छोटी के लिए सामान भी और घर के लिए भी थोड़ा सामान लिया, शाम को थोड़े गेस्ट आ रहे हैं, तो अभी बस में निकल रहा हूँ पापा के साथ, और पापा के साथ मैं शूट कर नहीं सकता पता ही है आपको, छितर खाने का डर रहता है मेरे को, तो निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं अगर रास्ते में मेरे को टाइम मिला तो मैं शूट कर लूँगा, अभी थोड़ा जल्दी में हूँ। सो गाइस कुछ ऐसी लोकेशन पर आया हूँ मैं छन्नी में, ये है अपना जैन बिल्डर्स, यहाँ पर, यहाँ पर पापा गए अंदर, गाड़ी मैंने पार्क की और मैं भी चलता हूँ अंदर, देखता हूँ क्या काम था वहाँ पर, एंड मार्बल लेना था एक इस घर के लिए, कोई आइडिया नहीं, अब चलते अंदर जाकर ही देखते हैं। पापा उतर गए तभी मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, तो लेट्स गो इनसाइड एंड सी व्हाट्स हैपनिंग। आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे आए थे हम मार्बल देखने कुछ घर का, और कुछ ऐसा मार्बल है यहाँ पे, बहुत सुंदर मार्बल है यार, दिस इज हाउ इट लुक्स हियर। Look at this sanitation यार भाई साहब कितना खतरनाक है, वो पूरा लगा हुआ नीचे के साथ एक सॉसी। भाई साहब मौसम क्या सेक्सी हो रखा है, आपका भाई आया था अभी कैश लेने, ये अंदर ले जाना है कैश, वो शायद खरीद लिया उन्होंने, फ़ोन कर रहे थे पापा की कैश लेके आ जाओ, तो ये कैश लेके चलते हैं अंदर, पापा को देखें ऑलमोस्ट डन हो गया यहाँ से सारा काम, यहाँ पे कुछ ऐसे शॉप, उसके बाद निकलते हैं फिर यहाँ से घर, और अभी यहाँ पे क्या करना है यार, मौसम अभी बहुत अच्छा हो रखा है, अंदर कैश दे दिया मैंने, मैं दूसरा थोड़ा आगे तक चलते हैं गाड़ी में जब तक वो अंदर से फ्री होंगे, अभी चलते हैं थोड़ा सेक्टर राइड लेके आते हैं छोटी सी। तो यहाँ लगी है हमारी गाड़ी, आप लेफ्ट चलें या राइट चलें, हम चलते हैं लेफ्ट, लेफ्ट गए थे हम, अब राइट चलते हैं, राइट वाली साइड देखते हैं क्या सीन है। ओह शिट मैंने चाबी चाबी अंदर टेबल पर रख के आ गया यार, मैं भी क्या ही इंसान हूँ, चाबी लेके आता हूँ जल्दी से, अभी लेके आ गया हूँ मैं मेरी चाबी गाड़ी की, बट सीन ये है कि हवा बहुत तेज़ है अभी, अभी फ़िलहाल कुछ ऐसा है कि ये गाड़ी थोड़ी कम ही अवेलेबल रहती है, क्योंकि ये पापा के यूज़ में ज़्यादा होती है, पापा इसको चलाते हैं, तो आज पापा की चला रहे हैं, कल अपनी लेंगे इंशाल्लाह, फिर उसके बाद वो तो फिर हमारे पास ही रहेगी 24 घंटे, अभी अभी पापा की चलाते हैं जब तक हम अपनी लेंगे, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
इस देख सकते हो यार आप यहाँ बहुत ये चल रही है हवा बहुत तेज़, अगर आपको दिख रहा हो ये देखो कैसे उड़ रहे हैं बाहर बाहर पॉलीथिन बाहर, हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ है यहाँ पे। मज़ा आ रहा है अभी गाड़ी चलाने का। एसी करते हैं बंद और हवा शीशे डाउन करते हैं, ज़रा देखते हैं कि हवा कैसी है बाहर। लेट मी जस्ट, अभी हम चलेंगे कुंजवानी साइड एक राइड लेने। गर्म हवा है यार बाहर बट स्टिल अच्छी है, जो जैसी भी है गर्म है लेकिन अच्छी हवा है बाहर। तो एसी बंद कर दिया मैंने शीशे डाउन कर लिए दोनों साइड। अब चलते हैं ज़रा आगे तक, देखते हैं क्या सीन रहता है। तब तक पापा भी फ्री हो जाएंगे जब तक हम आगे से घूम के आएंगे। तो लेट्स गो, यहीं से आपका भाई कॉलेज भी जाता है रोज़ी, मेरे कॉलेज का भी रास्ता है देख सकते हो आप। यहाँ से अंदर जाता हूँ मैं कॉलेज, जब मेरे को कॉलेज जाना होता है तो यहाँ से अंदर है वो कॉलेज का रूट। बट अभी हम जाएंगे स्ट्रेट आगे कुंजवानी तक, ज़रा एक चक्कर लगा के आते हैं आगे से। यार एक सीन रहता ना यहाँ पे, बंदा म्यूज़िक नहीं चला सकता। म्यूज़िक चलाया मैंने तो बस कॉपीराइट का इतना ड्रामा रहता ना, बस थोड़ा सा अगर 10 सेकंड का भी म्यूज़िक लग गया तो कॉपीराइट। यहाँ पे देख सकते हो आप ये रहा आपका ऑडी का शोरूम, आई विल बी देयर सून इंशाल्लाह। उम्मीद तो बुरी है यार, देखते हैं अल्लाह ताला ने क्या लिखा होगा हमारे किस्मत में। बाकी अपनी तरफ से तो पूरी मेहनत लगाएंगे, मेहनत करेंगे पूरी। तो यहाँ से निकलता हूँ मैं यार, यहाँ से आगे से घूम के टर्न लेके वापस जाऊँगा मैं, और इसके बाद मैं पापा, अब इसके बाद पापा बैठेंगे तो आपको मैंने बोल दिया कि मैं पापा के साथ शूट नहीं कर सकता आंटी ने, ननलेस आई लाइक सिक्योर अ गुड पोजिशन इन दिस। उसके बाद की बात अलग है, जब बंदा थोड़ा सा एक्सेल कर जाए उसके बाद मैं फैमिली के सामने कर भी सकता हूँ। फिलहाल मैं थोड़ा हेजिटेशन में आ जाता हूँ घर वालों के सामने। तो अभी बस ये यहाँ से निकलते हैं फिर, और अब मैं आपको घर जाके मिलता हूँ सीधा। आज की तो जिम भी स्किप हो गई, 7:30 हो गए, अब जिम जाना तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ना। तो अब यहाँ से चलते हैं घूम के, ये रही चौक सामने, चौक से टर्न लेके वापस वहीं। आपको एक और चीज़ बताऊँ कि दिस इज़ अनथम रिजॉर्ट जो कुंजवानी में, यहाँ पर हमारी फेयरवेल हुई थी जब मैंने बस इन क्लास ट्वेल्थ के बाद यहाँ पर फेयरवेल हुई थी हमारी। बहुत अच्छा रिजॉर्ट है अंदर से। अब यहाँ से तो बस ऑलमोस्ट पहुँचने वाला हूँ, बहुत पास है आगे से, थोड़ा सा आगे जाना 100 मीटर्स, फिर वहाँ से अंदर लेफ्ट टर्न हो जाना। इट्स बिन क्वाइट लेट एंड आई वाज एडिटिंग माय ब्लॉग, तो मैंने एंड वाला पार्ट जो है अपनी ब्लॉग की एंडिंग नहीं की थी। सो आई एम गोना एंड दिस ब्लॉग हियर। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आएगा तो ब्लॉग को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, एंड कमेंट्स में मेरे को जरूर बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।